दोस्तों, क्या आप भी अपने सैमसंग मोबाइल फोन के फोन डायलर में जब आप कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाता है, आपको मैनेज कॉन्टेक्ट एक की सेटिंग। तो इस सेटिंग को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने फोन डायलर के कॉन्टेक्ट पेज के अंदर, वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आखिरकार मैनेज कॉन्टेक्ट सेटिंग कैसे इस्तेमाल करते हैं और इस सेटिंग से हमारे कॉन्टेक्ट के अंदर क्या क्या परिवर्तन पड़ेगा और हमारे फोन के अंदर क्या क्या परिवर्तन पड़ेगा। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट और जान लेते हैं कि आखिरकार इस सेटिंग को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर अपना डायलर ओपन करना है। जैसे आप यहां पे अपना डायलर आप ओपन करेंगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कॉन्टेक्ट सेटिंग, आपको इस पे क्लिक करना है और यहां पे मिल जाएगा आपको थ्री डॉट, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा आपको मैनेज कॉन्टेक्ट सेटिंग, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके पास बहुत सारा सेटिंग निकल के आ जाएगा। तो यहां पे आपको सबसे पहला सेटिंग मिलेगा आपको मैनेज कॉन्टेक्ट के नाम से। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस सेटिंग पे ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके वो सारे नंबर आपको देखने को मिल जाते हैं जो एक ही नंबर चार चार बार आपने सेव करके रखा होता है। जैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा हमारा ये एक मोबाइल नंबर है और ये हमारे यहाँ पे एक जीमेल आईडी के अंदर, दूसरे जीमेल आईडी के अंदर और हमारे फोन के अंदर भी सेव है। तो अगर आप यहाँ पे इस पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके सारे ये नंबर आपके डिलीट हो जाएंगे और आपके फोन में सिर्फ एक ही जगह पे आपका ये नंबर सेव रहेगा। आपके ईमेल आईडी से, आपके फोन से, आपके सिम कार्ड से डिलीट हो जाएगा, सिर्फ ये नंबर आपका एक ही जगह रहेगा और आपके ये नंबर आपका चार जगह नहीं रहेगा। तो अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आपको इस पर टिक लगाना है और यहां से देखने को मिलेगा मैर्ग का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका ये नंबर सारा हट जाएगा, यानी कि यहां से देखने को मिलेगा डुप्लीकेट नंबर, जिसे आप कह सकते हैं कि डुप्लीकेट नंबर जो आपके होते हैं आपके कॉन्टेक्ट में। तो आप इस पर क्लिक करके सारे आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद यहां से बैक आना है। जैसे आप बैक आएंगे और यहां पे आपको एक सेटिंग मिल जाती है डिलीट डुप्लीकेट कॉन्टेक्ट, यहां से भी आप अपने डिलीट डुप्लीकेट कॉन्टेक्ट आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके सारे वो कॉन्टेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपने हर बार सेव करके रखा होगा, यानी कि आपने दो दो बार आपने सेव करके रखा होगा। जैसा यहां पे देखने को मिलेगा हमारा ही नंबर है और मैंने यहां पे अपने इस नंबर को दो बार सेव करके रखा है अपने गूगल अकाउंट के अंदर, यानी कि जीमेल आईडी के अंदर। अगर आपने अपने सिम कार्ड में एक नंबर को दो बार शेयर करके रखा होगा, सेव करके रखा होगा, तो यहां पर आपका सिम कार्ड देखने को मिल जाएगा और यहां पे आपको देखने को मिलेगा डिलीट करने का ऑप्शन। तो अगर आप उन्हें डिलीट करना चाहते हैं तो आपको डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपका सारा नंबर यहां से डिलीट हो जाएगा। देख सकते हैं यहां पे हमारा नंबर डिलीट हो चुका है, डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां पे आपको मिलेगा इंपोर्ट और यहां पे एक्सपोर्ट कॉन्टेक्ट सेटिंग। तो इस सेटिंग से क्या होता है, इस सेटिंग से यह होता है कि अपने कॉन्टेक्ट का सारा आप बैकअप ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब अपने मोबाइल फोन को हम रीसेट मारते हैं तो दोस्तों आप क्या करते हैं कि अपने कॉन्टेक्ट का आप बैकअप लेना चाहते हैं, बैकअप लेना चाहते हैं और उसे आप कहीं पर सेव करना चाहते हैं अपने एसडी कार्ड में, अपने गूगल ड्राइव में, तो यहां से आप बैकअप ले सकते हैं। यहां पर देखने को मिलेगा इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब यह होता है कि यहां पर आपने जो बैकअप लेके रखा है वो यहां पर आप अपने मोबाइल फोन के अंदर फिर से आप यहां पर सेव कर सकते हैं। जैसे आपने रीसेट मारा है मोबाइल फोन और उसके पहले आपने यहां पे अपना कॉन्टेक्ट को बैकअप लिया और उस फाइल को आपने अपने एसडी कार्ड में सेट कर दिया है, तो यहां पे आपको अपना एसडी कार्ड सेलेक्ट करना, अपना फोन स्टोरेज सेलेक्ट करना और यहां पे अपने कॉन्टेक्ट को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे देखने को मिलेगा एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन। अगर यहां पर अपना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर मिलेगा इंटरनल और यहां पर मिलेगा सिम का, तो यहां पर आपके सारे नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे कि आपके फोन में इतने नंबर आपके सेव हैं और इतने नंबर का आप बैकअप ले सकते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और उसे आप कहां सेव करना चाहते हैं तो यहां पे आपको इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके सारे कॉन्टेक्ट जितने होंगे उनका बैकअप आपके फाइल में सेव हो जाएगा और यहां से आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऐसे आप यहां पे इस सेटिंग को यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे देखने को मिलेगा मूव कॉन्टेक्ट एक सेटिंग। इस सेटिंग का काम क्या होता है कि इस सेटिंग से अपने कॉन्टेक्ट को आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि अपने सारे कॉन्टेक्ट आप जीमेल आईडी में सेव करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं या आप उन्हें मूव करना चाहते हैं, अपने मोबाइल फोन को आप रीसेट मार रहे हैं या आप अपने मोबाइल फोन को अपना बेचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जितने भी हमारे फोन सारे के सारे कॉन्टेक्ट हैं, जितने हमारे फोन में, हमारे जीमेल में, और वो सारे हमारे कॉन्टेक्ट हमारे सिम में आ जाए, तो आप यहां से सारे मूव कर सकते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेगा, आपको यहां पे अपना वो जीमेल आईडी चूज करना है जिसके आप कॉन्टेक्ट को आप मूव करना चाहते हैं। तो यहां पे मैंने अपना इस वाला ईमेल आईडी चुन लिया और इस वाले ईमेल आईडी को चूज करने के बाद इस ईमेल आईडी में जितने सारे कॉन्टेक्ट सेव होंगे वो यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहां पे आपको करना है, सारे कॉन्टेक्ट आप लेना चाहते हैं अपने सिम कार्ड में, तो यहां से आपको ऑल पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑल पे क्लिक करेंगे यहां पर आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे कि उस ईमेल आईडी के अंदर आपके कितने कॉन्टेक्ट हैं और वो कॉन्टेक्ट आप कहां पर लेना चाहते हैं। तो अपने हम सिम में लेना चाहते हैं तो आपको सिम सेलेक्ट करना है और यहां पर आपका सिम सेलेक्ट हो
जाएगा और उसके बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है और उसके बाद सारे कॉन्टेक्ट आपके आपके ईमेल आईडी से आपके सिम कार्ड में आ जाएंगे। तो ऐसे आप अपने सारे कॉन्टेक्ट आप मूव कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं, यानी कि इस ईमेल आईडी से उस ईमेल आईडी में और उस ईमेल आईडी से अपने सिम कार्ड में या अपने मोबाइल फोन में। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा सिंक कॉन्टेक्ट सेटिंग, तो आप यहाँ पे अपने कॉन्टेक्ट को सिंक करने का ऑप्शन यहाँ पे आप यानी कि सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे मिलेगा व्हाट्सअप, व्हाट्सअप को अगर आप यहाँ पे अपने कॉन्टेक्ट का सिंक करने का आप परमिशन अलाउ कर देते हैं तो क्या होता है, जैसे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हम अपना WhatsApp ओपन करते हैं, यहाँ पे हम अपना WhatsApp ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मैंने अपना WhatsApp ओपन कर लिया, यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपके ये कॉन्टैक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं तो आपके ये कॉन्टैक्ट उसी सेटिंग की मदद से आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप उस सेटिंग को डिसेबल कर देंगे तो यहाँ पे जितना भी आपका कॉन्टैक्ट है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा या आपको नंबर टाइप करना पड़ेगा। तो सिंक का मतलब यही होता है कि आप अगर जिसे भी आप सिंक का परमिशन दे देंगे तो वह एप्लीकेशन होगा या ऐप होगा या आपका फोन का होगा तो वो सारा का आपका कॉन्टेक्ट सिंक कर सकता है अपने यहां पे अपने प्लेटफॉर्म में आपके सारे के सारे कॉन्टेक्ट को सिंक कर सकता है। उसके बाद करना क्या है, यहां पे आपको देखने को मिलेगा सेट डिफॉल्ट स्टोरेज लोकेशन, यानी कि इसका ये होता है कि अगर आप यहां पे कोई भी नंबर अपने यहाँ पे अपने मोबाइल फोन के अंदर एक नया नंबर सेव करना चाहते हैं, जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेलेक्ट वेयर टू ऑटोमेटिक सेव न्यू कॉन्टेक्ट, यानी कि अपना यहाँ पे न्यू कॉन्टेक्ट अगर सेव करना चाहते हैं तो वो आपका न्यू कॉन्टेक्ट कहाँ पे सेव होना चाहिए, आपके अकाउंट यानी कि आपके मोबाइल फोन के अकाउंट में, आपके फोन में, आपके सिम कार्ड में, आपके गूगल में, आपके जीमेल में, यानी कि आपका भाई आपका गूगल और जीमेल, तो आप जहां पे सेव करना चाहते हैं अगर आप यहाँ पे सिम पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आप कितना भी नंबर आप न्यू कॉन्टेक्ट आप यहाँ पे सेव करेंगे अपने फोन के अंदर, जैसे हम आपको दिखाते हैं यहाँ से हम अपने फोन के अंदर यहां पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहां पे हम जितना भी कॉन्टेक्ट सेव करेंगे और वो हमारा सारा कॉन्टेक्ट हमारे सिम के अंदर सेव होगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहीं से भी आप चेंज कर सकते हैं, वही सेटिंग आपको यहां पर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसे आप बड़ी ही आसानी से अपने मोबाइल फोन के डायलर पैड में अपने कॉन्टेक्ट सेटिंग के अंदर आप मैनेज कॉन्टेक्ट सेटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने आपको पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर बता दिया है। तो मैं आशा करूंगा यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए।